उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सीएल जैन कॉलेज के पीछे विवेकानंद नगर में सिटी मजिस्ट्रेट का जिला पूर्ति विभाग की टीम संग छापेमारी की गई है। इस दौरान कालाबाजारी के 14 ड्रम मिट्टी के तेल भी बरामद किए गए हैं और पुलिस ने एक मकान मालिक, एक अवैध कारोबारी संग 4 ग्राहक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र सीएल जैन कॉलेज के पीछे विवेकानंद नगर में सिटी मजिस्ट्रेट शीतला प्रसाद यादव ने जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी, सप्लाई इंस्पेक्टर सुनील सिंह, आनंद गौतम, थाना प्रभारी दक्षिण विनोद कुमार, चौकी प्रभारी केपी सिंह के साथ छापामारी की कार्रवाई की है, जिसमें यहीं के निवासी राम नरेश के मकान से 14 मिट्टी के तेल के ड्रम बरामद किए गए हैं। मौके से थाना दक्षिण क्षेत्र भीमनगर निवासी मनोज को भी पकड़ा गया है और बताया गया जा रहा है कि मनोज अवैध मिट्टी के तेल के कालाबाजारी का कार्य राम नरेश के घर में करता है, जिसकी सूचना मुखबिर से मिलने पर नगर मजिस्ट्रेट ने टीम संग छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान मिट्टी के तेल के ड्रमों में 11 डब्बे भरे हुए मिले हैं और 2 खाली पाए गए हैं। इसके अलावा 4 वे लोग भी पकड़े गए हैं जो इस मिट्टी के तेल को खरीद रहे थे। ये गोपनीय सूचना मिली कि मिट्टी के तेल का अवैध कारोबार हो रहा है। विवेकानंदपुरी में लगभग 7:15 बजे छापा मारा गया तो एक कमरे में 13 ड्रम मिट्टी का तेल अवैध रूप से रखा हुआ पाया गया और ये विक्रेता जो है वो मौके पर मिट्टी का तेल जो है बेच रहा था, तो इसको जो है पकड़ा गया है और इसको विधिक कार्रवाई की जा रही है। DSO साहब भी हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कितने का माना गया है, किसान माना है, कितने की का ये मिट्टी है? अब ये 40 रुपये लीटर बता रहा है कि 40 रुपये लीटर में बेचता है और 13 ड्रम है, एक ड्रम में लगभग 200 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उत्तर प्रदेश से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।